हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स है, जो चैप्टर नंबर हमारा 10 वेक्टर एल्जेब्रा है, उसका हम एक्सरसाइज 10.3 उसे डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने 10.1 एंड 10.2 ऑलरेडी करा रखा है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज है, प्रीवियस चैप्टर है, वो भी मैंने करा रखे हैं, जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लिस्ट में जाकर भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो 10.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसे हम पहले सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, ठीक है। देखिए, मैं एक्सरसाइज तो करा रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल आप पे छोड़ रहा हूँ। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ज़रूर किया कीजिए। अगर किसी एग्जाम्पल्स में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो वहाँ पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ हम पहले ही पढ़ के आए हैं क्लास 11th में फिजिक्स में, उसका यूज़ होगा वेक्टर में, जो भी आपने सीखा है। जो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। इसमें स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ आएगा, ठीक है। सारा जो चलेगा इसमें स्केलर का ही चलेगा। तो देखते हैं क्या इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, किन किन चीज़ों का हमें यूज़ करना होगा। मैं ज़्यादा डीप भी नहीं ले जाऊँगा आपको, जितना हमें ज़रूरत होगा उतना ही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि फालतू में वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो टॉपिक जो आपको स्टार्टिंग में लिखना है, वो हम इस वीडियो टॉपिक कवर कर रहे हैं, स्केलर, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल दे सकते हो आप इसे, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से डिनोट करते हैं। सपोज करो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपका ए है, ठीक है, एंड दूसरा वेक्टर आपका बी है। अगर इनके आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है या फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो पता क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी पता क्या होगा, वो होगा आपका ए डॉट बी। क्लियरली, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, शॉर्ट तरीका है, फिर आपको जो रिजल्ट है वो मैं आपको बात बताता हूँ। तो देखो, अगर ए वेक्टर हम ये मान लें कि क्या है, 2i + 3j + k है, और जो हमारा दूसरा वेक्टर बी हम मान लें ये है i + j + 2k मान लिया, और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए डॉट बी। तो क्या होगा, देखो पहले यहाँ लिख लो, ए लिख लो 2i + 3j + k, डॉट लगाए यहाँ पर, फिर यहाँ बी लिख लो i + j + 2k। अब रूल क्या कहता है, देखो सीधा से याद रखना, आई के कोएफिशिएंट के साथ आई के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 1 + 3, जे कोएफिशिएंट कितना 1 3 × 1, फिर इधर क्या है, के का कोएफिशिएंट 1, इधर के का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो आई का आई के साथ, जे के साथ, के के साथ, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 2, कितना जाएगा 7 आंसर। अब बेसिक रिजल्ट्स क्या हैं वो देख लीजिए थोड़ा बहुत। अब मैं बात करूँगा रिजल्ट की, ठीक है, रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। तो रिजल्ट नंबर 1, हमेशा याद रखना कि एक सर्कल बना लो, यहाँ आई, ये लिखा आई, ये लिखा जे, ये लिखा के। तो देखो, आई डॉट आई 1 देगा, जे 1 देगा, के भी 1 देगा, एंड आई का किसी भी और टर्म के साथ, जे के साथ 0 देगा, आई का के साथ भी क्या देगा 0। मतलब सेम तो आई देंगे, बाकी किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा k × j, वो 0 दे देगा, मतलब डिफरेंट आते ही वो क्या दे देंगे हमें 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया। अब एक चीज़ और होती है कि जो ए डॉट बी होता है वही बी डॉट ए होता है, इसका बहुत यूज़ हम करेंगे, ठीक है। तो ए डॉट बी, बी डॉट ए, आप एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, क्लियर आ गए इतना चीज़ समझ में।
अब जो नेक्स्ट आपका आएगा इसमें वो टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सपोज करो आपके पास दो वेक्टर यही हैं ए और बी है और उनके बीच अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो फॉर्मूला आपको याद रखना कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है ए डॉट बी। आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट और फिर उनका मॉडुलस, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, ये थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसे अभी याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है वो क्या है देखते हैं। देखो अगला चीज़ आएगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। सपोज करो हमें प्रोजेक्शन निकालना है, ऐसे बोल दिया क्वेश्चन में फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू बी वेक्टर, मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है ये बोलेगा। अब देखो प्रोजेक्शन निकालने का क्या होगा, ए का बी पर निकालना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप आराम से लिख दोगे ए डॉट बी। ठीक है, आपको क्या बोला है प्रोजेक्शन निकालो, ए का बी पर निकालो, सो ए डॉट बी तो आप ऊपर करोगे, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे क्या करोगे, नीचे आपको किसका मॉडुलस चाहिए जिस पर आप निकाल रहे हो। क्या बोला, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू बी, बी पर बोला है ना, ए टू बी, इंटू भी नहीं बोलेगा यहाँ, बोलेगा ए टू बी बोलेगा, तो बी के लिए बोलेगा तो बी का मॉडुलस नीचे आ जाएगा, जिसकी जिस पर बोलता है ना कि ए का बी पर निकालो, तो जिस पर बोलेगा वो नीचे आ जाएगा उसका मॉडुलस। सो ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे। और भी जो नई नई चीज़ें आएंगी थोड़ा बहुत, एक दो चीज़ अगर मैं अभी मिस कर रहा हूँ तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब जिनका यूज़ होगा वो मैं लिखाता चलूँगा हर एक चीज़ को। तो ये मेन चीज़ें हैं जिनका हमें यूज़ करना है 10.3 में, बेसिक चीज़ें। आई थिंक ये चीज़ पहले से आपको पता भी बहुत चीज़ें थी, बट उनको हमने रिकॉल कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.3 में। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आप भी अपने साथ एनसीईआरटी रख लेना ताकि आपको कोऑर्डिनेट करने में, कोऑर्डिनेशन बिठाने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड रूट थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस, मैग्नीट्यूड का मतलब है ए का मॉडुलस हमें क्या दे रखा है रूट तीन और बी का मॉडुलस हमें दे रखा है टू और हमें बोला ए डॉट बी क्या दे रखा है रूट सिक्स, तो इनके बीच का एंगल फाइंड करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है वन मार्क्स के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखा है गिवन, गिवन हमें क्या दे रखा है मैग्नीट्यूड ए का दे रखा है रूट थ्री, बी का दे रखा है टू और ए डॉट बी हमें क्या दे रखा है रूट सिक्स और हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, लेट लिखेंगे कैसे, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, फिर लिखोगे वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, कुछ अलग से नहीं करा रहा मैं, बेसिक चीज़ें हैं और ये चीज़ पढ़ के भी रखा है आपने एक्चुअली। ए डॉट बी क्या दे रखा है रूट सिक्स, मॉडुलस ए कितने दे रखा है रूट थ्री और मॉडुलस बी कितने दे रखा है टू। सो देखो इसको हम लिख सकते हैं रूट सिक्स को रूट टू
इंटू रूट थ्री, और इसको लिखा जा सकता है रूट थ्री तो ऑलरेडी टू को लिख सकते हैं हम, रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल, इसे ही कैंसिल। सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, वन अपॉन रूट टू। सेम वैल्यू बनानी है, यानी कि कॉस थीटा वन बाई रूट टू कॉस थीटा के किसकी वैल्यू होती है, कॉस में सोचो 45 की, 45 को लिखते हैं पाई बाई फोर, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है पाई बाई फोर। सो जो एंगल होगा दोनों के बीच का वो कितना होगा पाई बाई फोर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं, सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम हमें दे रखे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो ये लेट कर लेना कि ये ए है और ये बी है, और फिर हम फाइंड करते हैं। ए वेक्टर हमें दे रखा है देखो, मैं सब पे कैप नहीं बना रहा हूँ, कैप बनाने में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको कैप बनाना है ठीक है, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज करना है, कैप बनाते रहेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो कैप है, अब इनके बीच का एंगल फाइंड करना है तो वही लैंग्वेज लिखोगे, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है, ये हमारा थीटा एंगल है। सो हमें मॉडुलस ए और मॉडुलस बी की ज़रूरत पड़ती है, सो मॉड ए निकाल लेते हैं हम, मॉड ए मॉडुलस निकालना आता ही है। आई का कंपोनेंट क्या है, वन का स्क्वायर, जे का कितना है माइनस टू, एंड के का कितना है वन, वन फोर वन, यानी कि कितना आ गया रूट सिक्स। अब हमें निकालना है बी का सिमिलर तरीके से, थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर वन का स्क्वायर, कोफिशेंटों का स्क्वायर आ जाता है, और फिर उनको ऐड कर देते हैं, नाइन फोर वन, यानी कितना आ गया रूट फोर्टीन। मॉडल्स ए मॉडल्स भी निकाल लिया, अब फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज़ टू, यहाँ लगता है ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, ये फॉर्मूला लगता है। सो मॉडुलस ए मॉडुलस बी तुमने निकाल लिया आराम से, ए डॉट बी नहीं निकाला है, तो इसको हम निकालेंगे। ए वैल्यू पुट अप करो यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट, फिर यहाँ पर थ्री आई टू जे प्लस ए और बी वे की वैल्यू रख दी। मॉडुलस ए कितना है हमारा रूट सिक्स, एंड मॉडुलस बी कितना है रूट फोर्टीन। ठीक है, वैल्यू रख दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में आपको शॉर्ट रूल सिखाया था, आई की प्रोडक्ट आई से करते हैं, यानी कि थ्री इंटू वन थ्री। ठीक है, ये चीज़ करते हैं, और यहाँ से जी का प्रोडक्ट जैसे करेंगे, कोफिशिएंट लेंगे माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस के फोर। ठीक, ये हो जाएगा, और के का प्रोडक्ट कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा वन, और यहाँ आ जाएगा रूट सिक्स रूट फोर्टीन, नीचे जो था वैसे का वैसे ही। दिक्कत है, देखो आई का आई के साथ क्या, थ्री इंटू वन थ्री प्लस माइनस टू इंटू माइनस टू फोर प्लस इसका क्वेश्चन वन, इसका क्वेश्चन वन, वन इंटू वन वन, सॉरी गाइस। ठीक है, तो क्या आ रहा है, देखो चार तीन सात और एक आठ आ रहा है। ठीक, सो यहाँ से क्या जाएगा, चार तीन सात आठ बटे रूट सिक्स रूट फोर्टीन, ये आ गया, क्योंकि हमारा ए ये था बी ये था। ओके, सो यहाँ क्या है, कॉस थीटा है, एंड थीटा हमें निकालना, तो इधर ये कॉस इनवर्स आ जाएगा,
cos inverse 8 upon root 6 root 14 आंसर, क्योंकि ये सॉल्व हो नहीं सकता तो ऐसे ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअली मेरे से ना थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर 3 था तो 3 छूट गया था मेरा। सो नंबर मैटर नहीं करता, वो मेथड तो समझ में आ गया ना, ऐसे ही करना है। और जब मैं स्टार्टिंग में भी थोड़ा मैं करा रहा था ना, स्टार्टिंग पे ए डॉट बी करके मैं आपको सिखा रहा था, उस टाइम पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई थी कि मैंने आई जे के लिख दिया था, आई जे के नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया बेसिक चीज़ें, ए डॉट बी हमने सीख लिया, बाकी चीज़ें भी सीख ली। पहले दो क्वेश्चन आराम से बन गए हमारे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये छोटे मार्क्स से पूछ जाते हैं, वन वन मार्क्स में। कहते हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन वेक्टर, मतलब इसका इस पर हमें निकालना है। तो अगर ये ए है ये बी है तो नीचे जिस पर निकालना होता है वो अपॉन में आता है। ठीक है, लेट ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई माइनस जे, बी वेक्टर हमारे पास है आई प्लस जे। ठीक है, सो इनका क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए डॉट बी जिस पर निकालना है ऑन वो नीचे आ जाता है, इसका मॉडुलस नीचे। सो ए की वैल्यू है आई माइनस जे डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे अपॉन बी का मॉडुलस निकालना है, ये बी है हमारा, आई का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर। अब आई का मल्टीप्लाई आई के साथ होता है, यानी कोएफिशिएंट होगा 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस जे का क्वेश्चन क्या है माइनस वन, इसका क्वेश्चन क्या है वन, सो माइनस वन हो जाएगा, नीचे से रूट टू, सो प्लस वन माइनस वन क्या जाएगा जीरो, रूट टू यानी कि क्या जाएगा जीरो आंसर। सो प्रोजेक्शन इसका क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन आराम से बन गया। फोर्थ नंबर में बिल्कुल डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन पर बेस्ड है। कह रहे फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द दिस वेक्टर। ठीक है, सो ए हमें दे रखा है आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के, एंड जो हमें बी दे रखा है वो है सेवन आई माइनस के जे प्लस के एट के। ठीक है, प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन of the vector a on b, formula क्या होता है a dot b upon modulus b। ठीक है, so a dot b रखो, a की value है a और b की value put up कर दी हमने यहाँ पर, और नीचे किसका मॉडुलस चाहिए बी का मॉडुलस, आई का कोएफिशिएंट 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होता है आई का आई के साथ, यानी कि 7 इंटू 1 7, 3 इंटू माइनस 1 माइनस के 3 प्लस 7 इंटू 8 8 सत्ते 7 अट्ठे 56 56, नीचे से 49 1 64। ठीक, ये आ जाएगा, ऊपर से कितना आ रहा है देखो, 7 में 3 के 4 60, और नीचे से क्या जा रहा है 50 और 64 114। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 60 अपॉन रूट 114, ये प्रोजेक्शन है। क्लियर आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है,
show that each of the vector is a unit vector. Also show that they are mutually perpendicular to each other. अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन mutually perpendicular, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, एक कराऊँ, क्योंकि ये हर एक सेम तरीके से होता रहेगा, क्योंकि इसे आप a मानो, इसे b मानो, इसे c मानो, इन्होंने बोला है कि ये यूनिट वेक्टर है, मतलब a b c सबको यूनिट वेक्टर दिखाना है, और म्यूचुअली मतलब कि परपेंडिकुलर, मतलब a का b के साथ, a b पर परपेंडिकुलर है, b c पर परपेंडिकुलर है, और c a पर परपेंडिकुलर है, ये आपको शो करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको शो करनी है. तो शुरू करते हैं. देखो गिवन, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है. ठीक है, और इन सबको हमें यूनिट वेक्टर दिखाना. पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अगर आपको ए का निकालना है ना, ए यूनिट वेक्टर तब होगा जब इसका मॉडुलस एक आएगा. यानी कि सबको अगर यूनिट वेक्टर दिखाना है, इन सबका मॉडुलस क्या आना चाहिए? एक आज आना चाहिए. यानी मॉडुलस ए अगर एक होता है, मॉडुलस बी अगर एक होता है, मॉडुलस सी अगर एक होता है, तब जाके वो वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर. और शो करने के लिए बोला तो ज़रूर आना चाहिए. तो मैं ए के लिए कर देता हूँ, वैसे आप बी के लिए कर लेना, सी के लिए कर लेना, क्योंकि सेम तरीके से होंगे. मैं मॉडुलस ए निकालता हूँ. देखो जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, उसको आप वैसे का वैसे ही रखो बाहर. अब इसका मॉडुलस निकालना है आपको. कांस्टेंट टर्म का कुछ नहीं होता, जो भी बाहर होता है. सो आई का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर, 1/7, और ये हो जाएगा 4/9, 36. यानी कि रूट के 49/7, 49 का रूट होता है 7/7, 1 आ गया. सो मॉडुलस ए कितना है? 1. हेंस इट इज यूनिट वेक्टर. ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर है. चलो यूनिट वेक्टर तो हमने दिखा दिया ए को, वैसे ही आपको दिखाना है बी को और सी को. ओके, अब हम बात करेंगे. क्वेश्चन बोला है ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. देखो दो वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो एक रिजल्ट होता है. अगर ए और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो बात एक ही है. परपेंडिकुलर बोल लो तो परपेंडिकुलर तभी होता है आपस में दो वेक्टर, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए? ज़ीरो. दो वेक्टरों का अगर प्रोडक्ट ज़ीरो आता है, तो वो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. और इसी चीज़ का मुझे यूज़ करना है, और इस क्वेश्चन को आपको 3 बार सॉल्व करना है. लेकिन मैं एक ही बार करूंगा और 2 आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि बार बार सेम चीज़ें करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा और आपका टाइम ही वेस्ट होना है, डाटा वेस्ट होना है. सो मैं ए डॉट बी के लिए कर रहा हूँ, आप बी डॉट सी के लिए कर लेना और सी डॉट ए कर लेना. हर बार आपका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि बोला है शो करने के लिए. तो ए डॉट बी, तो क्या लिखेंगे? इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी 0. और यही चीज़ हमें ए डॉट बी को 0 ला के दिखानी है. ठीक है ना, और यही लैंग्वेज आप बी डॉट सी के लिए भी लिखेंगे और सी डॉट ए के लिए भी लिखेंगे.
सो ए हमारे पास कितना है, देखिए 1/7 और बी हमारे क्या है 1/7 कांस्टेंट चीज़ है, उनकी तो मल्टीप्लाई करके अलग से बाहर रख लूँ, 149 क्या जाएगा। अब देखो क्या होगा, आई का आई के साथ होता है 2 3 6 प्लस का 3 × −6 6 3 18 माइनस के आ जाएगा प्लस 6 2 12 प्लस का आ जाएगा। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई। सो देखो 6 × 18 − 18/49 0/49 यानी कि 0। हेंस ए इज परपेंडिकुलर, ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर है, ये लिख दोगे आप, या फिर हेंस ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर। ऐसे ही आपको बी और सी के लिए करना है, सी और ए के लिए करना है, सिंपल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि हमें मॉडुलस ए और मॉडुलस बी फाइंड करना है। अगर हमें ये चीज़ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी हमें 8 दे रखा है, और हमें एक ये भी बोल रखा है कि जो मॉडुलस ए है वो मॉडुलस बी के 8 टाइम्स है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी ने, चलो इसको भी करते हैं। देखो हमें क्या बोल रखा है, गिवन क्या है, ये हमें गिवन है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंड हमें क्या बोला है कि ए का जो वेक्टर है इसके साथ वो 8 है। अब आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चलिए देखें इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालना है। तो पहले तो क्या होगा, ये देखो आप डॉट और ये चीज़ पूरी आ जाएगी, फिर ये बी आएगा, डॉट प्रोडक्ट यहाँ लग जाएगा, फिर अंदर ये चीज़। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट सबके साथ सेपरेट हो जाएगा, तो ए डॉट ए माइनस, फिर यहाँ से आ जाएगा ए डॉट बी, फिर यहाँ आ जाएगा बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ठीक है, आपको पता है रिजल्ट, सिंस जो ए डॉट ए होता है ना वो मॉडुलस ए का स्क्वायर होता है। ठीक, तो बी डॉट बी भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस बी का स्क्वायर। एंड आपको ये भी पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, उस हिसाब से ये चीज़ इसके इक्वल है, ये तो यानी प्लस माइनस का कट, और यहाँ से क्या बचा, मॉडुलस का ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस का बी स्क्वायर इक्वल टू 8। बट वी नो दैट मॉडुलस ए इज इक्वल टू 8 बी है ना, सो इसका स्क्वायर करना हमें 8 मॉडुलस बी, फिर इनका क्या है देखो स्क्वायर है, सो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 में से एक माइनस करेंगे 64 यानी कि 63 8। ठीक है, तो मॉडुलस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा वो आप देख लो, वो हमारे पास आ जाएगा ये चीज 8/63 यानी कि मॉडुलस बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो √8/63। ठीक है, ये हमारा मॉडुलस ए आया, बी आ गया, एक आंसर तो हमें यही मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंस हमारे पास जो मॉडुलस ए था क्वेश्चन में बोला था कि वो 8 × मॉडुलस बी है फ्रॉम फर्स्ट, ये गिवन है ना हमें क्वेश्चन में,
अब b की वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है, वो वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, 8 b की वैल्यू क्या है आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर लिया हमने इसे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला इवेल्यूएट करो आप, आपको इसका मान बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, अब अभी कैसे किया था वैसे ही जगह 3a का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी माइनस 5b का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 × 6 8 ये चीज आ जाएगा, प्लस 7 × 21 ए डॉट बी, माइनस 5 × 10 बी डॉट ए, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 35, सो ये नेगेटिव है, ठीक है। 35 बी डॉट बी, अभी हमने जो रिजल्ट हमें यूज़ किए थे ए डॉट ए दोबारा लिख देना क्वेश्चन में, सो ये क्या हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। अब 21 ए डॉट बी है, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है बी डॉट ए के, आप एक ही बात है, रीज़न लिखना जरूरी यहाँ पर नीचे जो मैं बोल रहा हूँ। सो 21 में से 10 को घटाएंगे तो बचेगा क्या 11 ए डॉट बी, और यह क्या है माइनस के 35 बी डॉट बी बोले तो मॉडुलस बी का स्क्वायर, दिस इज़ योर आंसर। ये इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन इज देन इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। सो इन्होंने क्या बोला है कि जो मॉडुलस ए है और जो मॉडुलस बी है वो सेम है, क्योंकि बोला इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, मतलब ए का जो मॉडुलस होगा बी का जो मॉडुलस होगा वो आपस में इक्वल है, नो डाउट। एंड ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ए डॉट बी हमें क्या दे रखा है 1/2, एंड जो एंगल बोला है वो कितना 60 डिग्री है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, सो अब क्या होगा, गिवन है क्या वो लिख लेते हैं, गिवन हमें क्या है जो एंगल है थीटा वो है 60 डिग्री, और हमें बोला इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है ए डॉट बी वो है 1/2, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है, यानी कि मॉडुलस ए इक्वल टू मॉडुलस बी, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी, है ना। और हमसे इन्हीं का वैल्यू निकालने के बोला है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ए एंड मॉडुलस बी, ठीक है, यही हमसे पूछा भी है क्वेश्चन में। सो थीटा दे रखा है, स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है, मॉडुलस इक्वल है, सो हमारे माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि मुझे एंगल बिटवीन टू के सारे चीज़ें पता हैं, तो वहाँ से मुझे ये आराम से मिल जाएगा। तो आप वही लिखोगे, वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, ठीक है, ये होता है। थीटा की वैल्यू है कॉस 60 तो कॉस 60 हो जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू है 1/2 मॉडुलस ए, और बी की जगह पे भी मॉडुलस में ए रख सकता हूँ। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 आई थिंक, हाँ 1/2 ही होती है, ऊपर भी 1/2 है, और यहाँ हो जाएगा मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस ए, मॉडुलस ए का होल स्क्वायर 1/2 × 1 = 1/2। सो यहाँ है 1/1 = 1/ मॉडुलस ए का होल स्क्वायर, कॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट निकालोगे सो मॉडुलस ए किसके इक्वल होगा 1। अच्छा मॉडुलस ए 1 है सो मॉडुलस बी भी कितना होगा,
वन, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू फाइंड करो इफ फॉर अ वेक्टर ए, इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर है, ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि एक मॉडुलस ए हमारे पास वन दे रखा है और ये चीज़ हमें गिवन है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो लिख आ जाते हैं, सिंस ए इज अ यूनिट वेक्टर, गिवन है क्वेश्चन में, सो आप क्या लिखो, दैट इज, यानी कि मॉडुलस ए हमारे पास कितना है, वन है, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे. और गिवन हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए. तो मैं आपके बाद थोड़ा शॉर्ट ट्रिक करता हूँ, वह लिखना तो वही है, शॉर्ट ट्रिक कर ही देते हैं पूरा. अब अंदर प्रोडक्ट कर दोगे, प्लस माइनस माइनस ए डॉट ए. ठीक, एक्स डॉट एक्स क्या होता है, मॉडुलस एक्स का स्क्वायर, और एक्स डॉट ए, ए डॉट एक्स एक ही बात है, तो ये कट. माइनस ए डॉट ए क्या होता है, ठीक है, इक्वल टू 12. अगर देखो ये चीज़ वन है, सो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वो भी कितना आएगा, वन ही तो आएगा, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, वन. तो माइनस वन हो गया, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो मॉडुलस एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो रूट के 13 आंसर. ठीक है, आगे आंसर सिंपल था, बहुत ही आराम से हो गया. ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि इफ ए अगर ये वेक्टर है, बी अगर ये वेक्टर है, सी अगर ये वेक्टर है, और इन्होंने बोला है कि ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये चीज़ इस सी पर परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो. ठीक है, यानी कि कोई वेक्टर किसी पर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो. यानी कि ये चीज़ का जब प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ सी के साथ, तो किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो. ये बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहा है इस क्वेश्चन से. सो करते हैं सॉल्यूशन. गिवन हमें देखो क्या दे रखा है 10 में, इफ ए हमें दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 3k ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला a प्लस लैम्डा बी, पहले वो निकाल लेते हैं. नाउ ए प्लस लैम्डा बी, ए ये है, बी हमारा ये है, ठीक है. सो i कॉमन निकालो यहाँ से, तो इधर से 2 लैम्डा आ जाएगा, तो माइनस के लैम्डा, प्लस j कॉमन निकालो इधर से 2 और यहाँ से प्लस की 2 लैम्डा, के कॉमन निकालो यहाँ से तो 3 और यहाँ से ओनली लैम्डा.
ठीक है, लैम्डा वन से लैम्डा, ये आ गया ए प्लस लैम्डा बी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस लैम्डा बी पेंडिकुलर टू सी बोला, दैट इज कि ए प्लस लेमडा बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा सी के साथ वो क्या होगा, जीरो होना चाहिए। और ये लेके हम चलेंगे, ये हमारा ए प्लस लेमडा बी है और ये हमारा सी है। तो यहाँ देखो सिर्फ जे है तो के तो है ही नहीं, यानी कि जीरो के लिख सकते हो। तो पहले ए प्लस लेमडा बी लिखते हैं, ये हमारा ए है और अब हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट सी। सी क्या है, थ्री आई प्लस जे प्लस ज़ीरो के, किसके इक्वल है, ज़ीरो के। ठीक है, अब आई का प्रोडक्ट आई के साथ होता है, सो दिस इंटू थ्री प्लस जे का कोफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसका क्वेश्चन वन है, वन इंटू दिस एंड के का के साथ होता है केस, ये जीरो इंटू समथिंग, पूरा इसको क्या करते हैं, जीरो इंटू दिस जीरो इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई कर दो, तीन दूनी छः माइनस थ्री लेमडा टू, टू लेमडा इक्वल टू जीरो, माइनस का थ्री लेमडा प्लस के टू लेमडा ओनली माइनस के लेमडा, छः दो आठ इक्वल टू जीरो, यानी कि लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आठ। आंसर यही हमसे पूछा था, यही हमें निकालना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट ये जो मैं दे रखा है इस पर पेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। अगर हमारे पास कोई दो नॉन जीरो वेक्टर हैं ए और बी और ये चीज़ इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमें शो करके दिखाना है। परपेंडिकुलर के क्या होता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या आना चाहिए, ऑलवेज ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, ओके, करते हैं। तो देखो एक वेक्टर सपोज करो ए मान लो, लेट जो ए वेक्टर है वो क्या है, ये हमारा ए वेक्टर है एंड जो बी वेक्टर है वो है ये, ठीक है, ये ए और बी वेक्टर हैं, इनका अभी हमें इनको दिखाना है परपेंडिकुलर। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं फॉर शोइंग ए एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वी नीड टू शो ओनली ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए डॉट बी को अगर आप ज़ीरो दिखा देते हो तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, नाउ रखते हैं ए, ये हमारा पूरा ए है, ये बी है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, फिर
इसका इसके साथ प्लस माइनस माइनस, फिर इसका इसके साथ आएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस इसका इसके साथ सेम चीज है। देखो ये सेम चीज है, सेम चीज का डॉट प्रोडक्ट उसका स्क्वायर हो जाता है। और देखो ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। रीज़न दे देना पहले जो मैं बोलता हूँ कि सिंस ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, और यहाँ से क्या जाएगा ठीक है। एक्चुअली ये क्या है इसको आप ऐसे ही रख देना, एक्चुअली क्या है ये ए डॉट ए मॉडुलस ए का स्क्वायर, बी डॉट बी मॉडुलस बी का स्क्वायर, और सिमिलरली यही चीज़ भी यही है बी का स्क्वायर ए डॉट ए का स्क्वायर, सेम में सेम माइनस होगा तो क्या हो जाएगा ज़ीरो, और ए डॉट बी ज़ीरो आ गया, हेंस इट इज़ परपेंडिकुलर ठीक है, ये आप बोल देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इफ ए डॉट ए जीरो है एंड ए डॉट बी जीरो है देन व्हाट कैन बी कैलकुलेट अबाउट द वेक्टर बी। ठीक है, ए डॉट ए तो जीरो दे दिया और ए डॉट बी भी हमें बोल रहा है जीरो है, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हैं बी के बारे में। तो देखो बी तो कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग कैन बी पॉसिबल। अब बी के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि ए डॉट ए ज़ीरो दे दिया है, ए डॉट बी ज़ीरो दे रहे हैं, क्या बोल डिस्क्रिप्शन लिख रहे, ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ ए डॉट ए हमें ज़ीरो दे रखा है, हाँ इसका मतलब क्या हुआ मॉडुलस ए का स्क्वायर हमें ज़ीरो दे रखा है, यानी कि मॉडुलस ए हमारे पास क्या है ज़ीरो है, क्यों ए वेक्टर का मॉडुलस हमारे पास ज़ीरो है ये चीज़ दे रखा है, और क्वेश्चन में बोला है और एंड ए डॉट बी वो भी हमें ज़ीरो दे रखा है, और हम जानते हैं कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अब ए डॉट बी तो इन्होंने ज़ीरो दे रखा है, नो डाउट ज़ीरो दे रखा है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मॉडुलस ए भी कितना दे रखा है वन दे रखा है। अब बी वेक्टर तो कुछ भी रख लो, एनी थिंग, दुनिया के करोड़ों अरबों इतने वेक्टर्स रख लो यहाँ पर, आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ज़ीरो ही आना है। सो बी कैन बी एनी वेक्टर, ये होगा आपका आंसर जस्ट, ठीक है, बी कोई भी वेक्टर हो सकता है यहाँ से, एनी थिंग कैन बी पॉसिबल हेयर। सो फिक्स नहीं है, इसका आंसर तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आपके मन में कोई भी वैक्टर आए ना यहाँ रख दो वो इसका आंसर हो जाएगा। सो 12 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड, थोड़ा आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए था, अब आ रहा है 13। इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अभी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया एग्ज़ाम में, ठीक है, कितनी बार पूछा गया है, अब खुद ही मैं उस दिन देख रहा था प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये बहुत बार आ रखा है, तो क्वेश्चन के ऊपर ढंग से पढ़ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कहना है इफ ए बी सी आर यूनिट वैक्टर्स, पहले ही तुक्का इन्होंने मार दिए हैं, तुक्का बोल रहा हूँ, पहले ही इन्होंने हथौड़ा चला रखा है कि ए बी सी क्या यूनिट वेक्टर, यानी कि मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी का मान कितना है वन, सच दैट कि ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है ज़ीरो, तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की कितनी होगी, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया,
अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार आ रखा है एग्जाम में। तो सबसे पहले रीज़न क्या है, देखो सिंस क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंस ए कॉमा बी कॉमा सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर है दैट इज मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी होगी 1, मॉडुलस बी की वैल्यू 1, मॉडुलस सी की वैल्यू भी 1, इन सभी की वैल्यू 1 1 होगी। ये क्वेश्चन बोल ही रखा है और हमें क्या दे रखा है, गिवन कि जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड सॉरी इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो चलते हैं, सबसे पहले देखो ये चीज़ फाइंड करनी है, डॉट डॉट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, हमें चाहिए डॉट प्रोडक्ट कि यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़ होगी। नाउ देखो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या है, 0 दे रखा है, गिवन है ये हमें। अब क्या करता हूँ मैं, ए डॉट बी निकालना है ना मेरे को, सो मैं क्या करता हूँ ए और बी को यहाँ रखता हूँ, सी को उस तरफ ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट लगाऊँगा मैं दोनों तरफ, ठीक है। मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, लिख देना टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ ए। सो डॉट प्रोडक्ट लगाऊँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉट प्रोडक्ट लगा दो इधर से, ए डॉट ए हो जाएगा प्लस ए डॉट बी हो जाएगा। देखो ए डॉट बी चाहिए था मेरे को, यहाँ से मिल रहा है मेरे को, और इधर तो ए डॉट सी है। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए का स्क्वायर ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इधर। अब मॉडुलस ए हमारे पास तो 1 है, तो इधर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा। सो ए डॉट बी हमारे पास क्या आएगा, सो ए डॉट बी वो आ जाएगा माइनस के ए डॉट सी, और ये प्लस का बंद रखिएगा हो जाएगा माइनस के 1। इक्वेशन नंबर मैं इसको 1 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट बी मिल गया मेरे को। आपको अब सिमिलर तरीके से आपको करते रहना है। अब आपने ए के लिए किया था ना, उसके बाद आप बी के लिए करो, उसके बाद आप सी के लिए डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ से फिर से वही चीज़ करनी है इस स्टेप्स के बाद। पहले स्टेप में ए से किया था, अब की बार बी से करो, अगेन डॉट प्रोडक्ट ले लो, यहाँ से क्या हो जाएगा बी, क्या था इस तरफ सी ना, तो बी डॉट सी, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा बी डॉट ए बी डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा बी डॉट ए, और बी डॉट बी क्या होता है मॉडुलस बी का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा बी डॉट सी। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि b हमारे यूनिट वेक्टर है, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है b डॉट a, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और इधर क्या है
बी डॉट सी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो इक्वेशन वन में अगर आप देखे जाए ढंग से, ए डॉट बी है ना, ये माइनस को अब इधर ले आओ, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू माइनस वन, ये था, इसको इक्वेशन वन मानना। और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का उधर चला जाएगा, यानी कि ये बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू माइनस के वन, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या आ गया, सेकेंड। सिमिलरली, क्योंकि फिर से करो, अब की बार क्या करना है, बी के बाद क्या ले लेना, सी ले लेना। जब आप सिमिलरली दोबारा ऐसे करोगे ना सी के साथ, सी डॉट प्रोडक्ट यहाँ लग जाएगा, ए प्लस बी इधर क्या था, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा सी डॉट ए, ए सॉरी सी डॉट बी ना, तो ये सी है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं आपकी बार, सी डॉट सी आएगा, फिर उसको स्क्वायर कर देंगे, यही आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू माइनस वन, इसका स्क्वायर वन। अब तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, इक्वेशन नंबर थर्ड टू एंड वन को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, ऐड करेंगे तो देखो हर एक चीज़ दो दो बार आई है, यहाँ पे देखो सी डॉट बी है, यहाँ पर बी डॉट सी, बी डॉट सी, सी डॉट बी का मतलब एक ही बार एक ही चीज़ होते हैं, अभी मैंने बताया था ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होते हैं, सो हर चीज़ दो दो बार है, तो दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए लेफ्ट साइड में, और इधर क्या है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस के थ्री, सो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये प्लस का टू इधर रखेगा हो जाएगा माइनस के टू, मतलब ये इन टू में था, इधर आके क्या होगा डिवाइड में, आंसर यही तुम्हें फाइंड करना था, ये चीज आराम से निकल गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको ढंग से करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 14 बोल रहा है, इफ़ ईदर वेक्टर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, अगर इनों में से कोई एक ज़ीरो होता है तो ए डॉट बी ज़ीरो ज़रूर होता है, बट जो कन्वर्स है इसका ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल्स। तो बहुत ही सिंपल है ये चीज़, तो होगी होगी, इन्होंने बोल रखा है कि किसी वेक्टर में ए ज़ीरो हो जाए या दूसरा ज़ीरो हो जाए तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होती ही होती है, लेकिन अगर ए डॉट बी ज़ीरो है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए भी ज़ीरो हो और बी भी ज़ीरो हो, उनका जो मॉडुलस हो वो भी ज़ीरो हो। सो मैं आपको एक एग्जांपल लिखूँगा, ऐसे तो हज़ारों एग्जांपल है, सो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेट जो मैं ए बोल रहा हूँ वो आपका ले लिया मैंने वन माइनस टू प्लस के, और मैंने जो बी ले लिया वेक्टर वो मैंने ले लिया वन प्लस के थ्री जे 5 के, इन में से कोई सा भी वेक्टर का मॉडुलस हमारा ज़ीरो नहीं है, बट इनकी डॉट प्रोडक्ट में ज़ीरो ला के दिखा सकता हूँ, कैसे देखिए। देखो अगर मैं मॉडुलस ए निकालूंगा, ये है ना ए, आई का कोफिशन 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 4 1, सो यहाँ से आ जाएगा रूट 6। बी यहाँ से क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 9 और एक 10 कितना हो जाएगा 35 रूट 35। तो इन दोनों में से कोई सा भी किसी का भी मॉडुलस ज़ीरो नहीं है, लेकिन नाउ मैं इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो ला के दिखा दूँगा ए डॉट बी। देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, सो वन इंटू वन वन आ जाएगा प्लस
माइनस टू इंटू थ्री माइनस का सिक्स प्लस वन इंटू फाइव, के का कोएफिशिएंट वन है फाइव फाइव, सो कितना आ रहा है देखो फाइव और वन सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो। सो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट अगर ज़ीरो होता है तो ए डॉट बी ज़ीरो ही, ए और बी का मॉडुलस भी ज़ीरो ही है। दिस इज़ नॉट ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट दिखा दिया मैंने आपको एग्जांपल, दोनों ही वेक्टर लिए मैंने जो कि नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन और जब इनको मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो ज़ीरो आ गया। सो ये पूछा था एग्जाम क्वेश्चन में, तो हमने कर दिया बाय एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस 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 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इज़ द एंगल बिटवीन द वैक्टर बी ए एंड बी सी, इन्होंने ये भी बोल रखा है, यानी कि आपको बी ए निकालना है और फिर बी सी निकालना है। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल इन्होंने बोला जो है ये ड्रॉ कर लो, उनके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, ये ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। ए जो हमें दे रखा है वो दे रखा है वन टू थ्री, बी हमें दे रखा है माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो, एंड सी दे रखा है हमें ज़ीरो वन टू। यानी कि अगर इनिशियल पॉइंट से अगर देखा जाए तो जो हमारा ओ ए वैक्टर है, वैक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, एंड जो हमारा ओ बी वैक्टर है वो है मेरा माइनस आई ज़ीरो जे ज़ीरो के, एंड जो ओ सी वैक्टर है वो है ज़ीरो आई जे प्लस टू के। कोई दिक्कत नहीं है, हमें एंगल जो फाइंड करने के लिए बोला है ट्रायंगल में बी ए और बी सी क्या बोला है, तो हमें बी ए निकालना है, ठीक है, और फिर क्या निकालना है बी सी निकालना है, और इनके बीच के एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल। सो बी ए फाइंड करना है, बी ए क्या होता है देखो, लास्ट में क्या ए है ना, तो आप लिखोगे ओ ए माइनस ओ बी, लास्ट वाला पहले है तो पहले वाला बाद में, शॉर्ट ट्रिक। सो ओ ए क्या है हमारे पास, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, एंड ओ बी क्या है हमारे पास, माइनस के आई ज़ीरो जे ज़ीरो के। सो आई है ये माइनस माइनस प्लस के टू आई हो जाएगा टू जे प्लस थ्री, क्योंकि ज़ीरो घटाओगे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो बी ए तो हमारा ये आ गया, क्लियर। फिर हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि बी ए एंड बी सी, अब निकालना है हमें बी सी, इनके बीच का ही एंगल निकालना है। सो बी सी क्या होगा, लास्ट में सी है ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी हमारा क्या था ज़ीरो आई जे प्लस टू के, एंड ओ बी क्या है हमारे पास माइनस क्या है ज़ीरो जे ज़ीरो के। सो माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस के आई जे टू के में से ज़ीरो के अगर माइनस करोगे तो टू के, ये हमारा बी सी आ जाएगा। एंगल फाइंड करना, थीटा भी द एंगल होता है, देन वी नो दैट कॉस थीटा इज़ इक्वल टू क्या होगा बी ए का डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, बी सी के साथ, ए डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी वाला फार्मूला। सो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। सो फार्मूले से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपको इनका मॉडुलस चाहिए होगा क्वेश्चन में। सो अब पहले यहाँ से क्या निकालो, मॉडुलस निकालो, तो बी ए का मॉडुलस निकालते हैं। रूट, सो बी का सारा टू टू थ्री है, टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा फोर फोर नाइन, तो आठ नौ सत्रह, ठीक है सत्रह आ गया। उसके बाद हमें बी सी का भी चाहिए होगा, बी सी, बी सी का मॉडुलस, आई का कोएफिशिएंट वन, जे का कोएफिशिएंट वन, के का कोएफिशिएंट टू, इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दिया,
सो 1146 आ जाएगा। नाउ तो अब डॉट प्रोडक्ट भी तो निकालनी है इनकी, क्योंकि बी ए डॉट बी, चलो यही निकाल देंगे। बी ए, बी ए हमारा क्या था, 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट। बी सी हमारा क्या आया था, i प्लस j प्लस 2k अपॉन। बी ए का मॉडुलस कितना आया है, रूट 17 इंटू, और इसका क्या है, रूट 6। आई के मल्टीप्लाई आई के साथ होती है कोफिशिएंट की, 2 इंटू 1 2। जे का जे के कोफिशिएंट के साथ, 2 इंटू 1 2। 3 इंटू 2 6। के का के के साथ, 3 2 3 6, और ये आ जाएगा 17 6 102 रूट के अंदर। सो ये कितना आ जाएगा, 10/102। तो हमें थीटा निकालना है, सो ये कॉस इधर आके इन्वर्स में हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सा एक क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, ये भी हमारा आराम से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, सपोज करो हमें पॉइंट्स ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमें 1 2 7, बी हमें दे रखा है 2 6 3, और सी हमें दे रखा है 3 10 -1। क्वेश्चन नंबर ये 16 है। सो जो इसको वेक्टर फॉर्म में निकालोगे, सो ओ ए इनिशियल तरीके से जो वेक्टर बनेगा ओ ए, वो बनेगा आई प्लस 2j प्लस 7k। ओ बी क्या बनेगा, 2i प्लस 6j प्लस 3k। एंड ओ सी क्या बनेगा, 3i प्लस 10j माइनस के। और कोलिनियर क्या होता है, अगर वेक्टर्स को कोलिनियर फॉर्म दिखाना है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में अगर दिखा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन दोनों वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स लाइज अप करते हैं एक ही लाइन में। तो इस क्वेश्चन में अगर आप किसी भी दो वेक्टर को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स के रूप में दिखा दें, या फिर इक्वल भी दिखा दो, या किसी के मल्टीपल्स के रूप में दिखा दो, तो आप बोल देंगे कि ये वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो सबसे मैं पहले क्या फाइंड करता हूँ, ओ ए ओ बी ओ सी दे रखा है, तो मैं पहले ए बी फाइंड कर लेता हूँ। ए बी वेक्टर क्या होगा, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रही है ना, ए बी सी। ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट में बी है, ओ बी में से क्या माइनस करेंगे, ओ ए। ये ओ बी है, ये ओ ए है, माइनस करो, दो में से एक आई कम होगा तो आई, 6 में से 2 कम होगा तो 4j, और 3 में से 7 कम होगा तो माइनस के 4k। ठीक है, ओ बी निकाल लिया, अब हम निकालते हैं बी सी। ए बी के बाद हम निकाल लें बी सी। बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी की वैल्यू 3i 10j माइनस के यहाँ से, और ओ बी की वैल्यू कितनी है, आई प्लस 2j प्लस 7k। 3 में से 1 क्या, ठीक है, बी सी निकालने, बी सी इक्वल टू होता है ओ सी माइनस ओ बी। शिट, ओ बी की वैल्यू गलत रख दी, ओ बी की वैल्यू कितनी है, 2i 6j, और यहाँ है 3k। ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई है। अब 3 में से 2 माइनस करोगे तो आई, 10 में से 6 कम करोगे तो 4, एंड माइनस के में से माइनस का 3 कम करोगे तो माइनस के 4k। सो यहीं पर रुक जाओ, और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। देखो जो ए बी वैक्टर है वो बी सी वैक्टर दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। ए बी जो वैक्टर है, सिंस ए बी वैक्टर 1 इंटू
बी सी वैक्टर में लिख पा रहा हूँ ना, तो लैम्डा के प्लेस पे क्या है, वन है। अगर कोई भी वैक्टर ए इक्वल टू लैम्डा बी के फॉर्म में आता है तो ए और बी दोनों वैक्टर क्या होते हैं, आपस में कोलिनियर होते हैं। सो इन दोनों वैक्टर्स को हमने ऐसे दिखा दिया है, ठीक है, एक ही पॉइंट से एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं ये दोनों, एक ही पॉइंट है तो ट्राइंगल तो बना नहीं। ट्राइंगल बनने के लिए तीन पॉइंट चाहिए होते हैं, तो ये तो एक ही वैक्टर है दोनों, ठीक है ना, और एक वेक्टर यहाँ कहीं आएगा तो ये तो लाइन बनेगी, ट्रायंगल कहाँ बनेगा, है ना। दोनों वेक्टर सेम हो गए, एक एक वेक्टर है और एक वेक्टर आएगा। जैसे आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला, आप सी ए निकालोगे तो ये दो नहीं, एक ही वेक्टर है और एक वेक्टर यहाँ आएगा, इन दोनों को ज्वाइन कर लो तो एक लाइन है, ट्रायंगल तो बना ही नहीं है। यानी कि लाइन का मतलब क्या होता है, कोलिनियर, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, हेंस इट इज़ कोलिनियर, ठीक है, ये भी आप बोल देंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। मेंबरशिप प्लान नहीं लिया अभी तो वो ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे मेंबरशिप प्लान लेने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि शो दैट दीज वेक्टर्स फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। देखो अगर कोई राइट ट्रायंगल होता है, सपोज करो ये हमारा ए वेक्टर आएगा, यहाँ बी वेक्टर आएगा, यहाँ सी वेक्टर आएगा, अभी बनाएंगे तो अगर राइट ट्रायंगल है बी एंगल तो ए सी पर कौन सा लंब होगा, ए बी परपेंडिकुलर है। अब जब दो वेक्टर आपसे परपेंडिकुलर होते हैं, सो ए बी परपेंडिकुलर अगर बी सी पर है, हमें दिखाना है तो इसका सीधा सीधा मतलब हम क्या दिखाना होगा कि ए डॉट ए बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा बी के साथ वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो दिखा दो। अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट, किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है तो समझ लेना कि वहाँ पर क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। और अभी तो मैं फिगर बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ ए ऐसे ही आएगा। आपका मेन टारगेट होगा कोई भी दो वेक्टर अगर उसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो दे रहा है तो उस ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल बोलेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तभी जाएगा जब वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये चीज़ आपके मन में आनी चाहिए। तो 17 नंबर में आते हैं, हमें देखो जो वेक्टर हमें दे रखा है ना, इनिशियल वेक्टर यानी कि जो हमें दे रखा है वो ए मान लो, वो हमें दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के, एंड इनिशियल वेक्टर तभी मैंने ओ ए ओ भी लिखा है माइनस 3j माइनस के 5k, ये माइनस है। और सी वेक्टर हमें दे रखा है, ओ सी वेक्टर वो है 3i माइनस के 4j माइनस के 4k, ठीक है, ये वेक्टर हमें दे रखे हैं। अब क्या है, ओ ए हमें दे रखा है, ओ बी हमें दे रखा है, ओ सी हमें दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करो, क्योंकि ए बी सी है ना, तो आपको पहले ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना, सी है। ए बी वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी लास्ट में, सो ओ बी माइनस ओ ए। फिर आपको बी सी वेक्टर फाइंड करोगे तो क्या आएगा, ओ सी माइनस ओ बी, एंड जब सी ए फाइंड करोगे तो क्या आएगा, ओ ए माइनस ओ सी। सो ये तीनों फाइंड कर लेना, ये आपके ओ ए ओ बी ओ सी आपको यहाँ दे रखा है, ऊपर यहाँ पर रख देना। ए बी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सॉल्यूशन करने के बाद, आई प्लस 4j माइनस के 4k, ये आपको ए बी वेक्टर मिलेगा। और जो आपको एक मिनट, ए बी वेक्टर में क्या मिलेगा, ओ बी, ओ बी में से घटाएंगे तो माइनस क्या ही मिलेगा ना, माइनस क्या ही मिलेगा, माइनस के 2j मिलेगा
करके देख लेते ना। देखो ओ बी में से ओ ए को माइनस करना है, तो आई में से टू आई माइनस करोगे तो माइनस के आई, ठीक है। फिर माइनस थ्री में से माइनस जे माइनस करोगे तो माइनस के टू जे बचेगा, और यहाँ माइनस के सिक्स के। फिर ओ सी में से ओ बी को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करके जब वैल्यू पुट अप करोगे तो आपका जो बी सी आएगा वो आएगा आपका टू आई माइनस जे प्लस के, एंड जो सी आएगा आपका वो आपका आएगा माइनस के आई प्लस का थ्री जे प्लस का फाइव के। ठीक है, ये हमारा सी आ गया। अब इन दोनों में से अगर कोई सा का भी डॉट प्रोडक्ट, इन तीनों में से कोई सा भी दो अगर ज़ीरो दे दे दे, कोई सी भी दो को डॉट प्रोडक्ट करने पर ज़ीरो मिल जाता है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, स्केलर, मतलब क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नाउ अब देखो, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ बी सी डॉट सी ए निकाल रहा हूँ, मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, करो देखो बी सी कितना है हमारे पास, टू आई माइनस जे प्लस के है, डॉट प्रोडक्ट करो यहाँ पर, और फिर क्या है सी ए, सी ए हमारे पास क्या है माइनस के आई प्लस का थ्री जे प्लस के फाइव के, टू इंटू माइनस वन माइनस के टू, आई का आई के साथ, फिर जे का जे के साथ, थ्री इंटू माइनस वन माइनस की थ्री, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइव इंटू वन प्लस के फाइव। सो माइनस फाइव प्लस फाइव क्या आ गया ज़ीरो, यानी कि बी सी और डॉट, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो बी सी वैक्टर है वो परपेंडिकुलर किस पर है, सी ए पर, क्योंकि जब दो वैक्टर की प्रोडक्ट ज़ीरो होती है, यानी कि वो वैक्टर उस पर क्या होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब ही तो क्या होता है राइट एंगल 90 डिग्री, तो यही तो मैं बताना था, हेंस जो प्रूफ करना था जो स्टेटमेंट बोली थी, हेंस दिस इज दिस वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 18, टिक मार्क है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, एंड लैम्डा नॉन जीरो स्केलर्स, देन लैम्डा इज अ यूनिट वेक्टर इफ इफ, देखो लैम्डा ए एक यूनिट वेक्टर बोला है, तो लैम्डा ए, लैम्डा एक कॉन्स्टेंट है, ए एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होगा यानी कि वन है, इनका मॉडुलस क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तभी यूनिट वेक्टर होगा। अब लैम्डा कॉन्स्टेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ, और इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो ए का जो मॉडुलस है ना वो ए के इक्वल है। यहाँ देखो क्या बोला है, इफ़ ए इज़ अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए है, ठीक है, तो यहाँ तो लैम्डा है, लैम्डा का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, टू ही तो होगा, और ए का क्या बोला है, ए है, सो ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, वन अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखना है, क्योंकि मॉडुलस में ए की वैल्यू ये होनी चाहिए, तब जाके लैम्डा ये आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। सो ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मैं डेली वीडियो लाता रहता हूँ, प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करें, और वीडियो को हो सके तो ऑनलाइन ही दिखा करिए। थैंक यू।